क्वेश्चन है, सोचिएगा, इफ द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो इज कैरिड आउट विद 15 मोल, अगेन हम मोल के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, इधर आते हैं, एसिटिलीन के ऊपर रेड हॉट आयरन, इसे क्या बनता है? बेंजीन। तो यहां से आप लोगों ने बेंजीन बना दिया, बेंजीन बना दिया। अब ये कौन सा रिएक्शन है? ऐसा नहीं होता कि वही है, ठीक है, नाम देना होता है, अल्काइलेशन। रीअरेंजमेंट कराएं या ना कराएं? कराएंगे, कराएंगे। क्या बना? क्यूमीन। क्यूमीन के ऊपर ऑक्सीजन, वाटर, एस प्लस, एसीटोन और फिनॉल। तो यहां से आप लोगों ने फिनॉल बना दिया और एसीटोन को यहाँ सिस्टम से निकाल दिया। अब कह रहा है कि इसके ऊपर एसिटिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन है, फिनॉल के ऊपर एसिड हैलाइड, वो हैलाइड रिएक्टिविटी ऑफ फिनॉल को कम करने वाली बात याद आ गया, रिएक्टिविटी ऑफ फिनॉल को कम करने वाली बात याद आ गया। जो क्वेश्चन मैंने ऐसे लिखवाया होगा ना कि जब कहानी के अंदर एसिड हैलाइड हो, जब कहानी के अंदर एसिड एनहाइड्राइड हो, जब कहानी के अंदर एस्टर हो, जब कहानी के अंदर एसिड हो, तो क्या आपने ऐसा पढ़ाया नहीं पढ़ा है कि यहाँ पे अटैक करके इस पार्ट को, इस पार्ट को, इस पार्ट को हटाना है, बस में आगे, तो ही डिक्रीजिंग द रिएक्टिविटी फिनॉल की बात कर रहा है। क्वेश्चन लगा लोगे? लगा लोगे ना, ठीक है। इसी के बाद मोल वाइज पूछ लिया है कि भाई इतना है, 80% बना, फिर 50% बना, फिर 50 बना, फिर 100 बना, तो इसके बाद चीजों को लगाओ। इससे 80% मिला है, मतलब जो भी इसका एल्ड है उसका 80% ही लेना है, फिर 50 लेना है, फिर 50 लेना है, ठीक है। उसको कैलकुलेशन वगैरह में देखेंगे, मोल वगैरह में। केमिस्ट्री के इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको मजा तो खूब आया होगा, आपको लग रहा होगा कि काश कोई ऐसा पेज होता जो सर ने बनाया हो और अपने माइंड के अंदर जो थॉट्स हैं उस थॉट्स को हमसे शेयर कर पाएं, जिससे कि मैं एक ही पेज के कॉरस्पॉन्डिंग पूरा का पूरा ऑर्गेनिक रिएक्शन को रिवाइज कर पाऊं। तो है बेटा, अमेजन पे अगर आप जाते हो तो यहाँ पर मेरे द्वारा दो पेजेस बनाए गए हैं, जिसको मैंने बोला है कैप्सूल पेज है, ठीक है, जिसका साइज 20 इंच बाई 30 इंच है, मतलब ये कुछ इस तरह का साइज का कैप्सूल पेज है, आप देख सकते हो, जिसका साइज 30 इंच बाई 20 इंच है। इन्हीं एक एक पेजेस के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप देखते हो तो इस पेज में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शन हैं उसके क्या की नोट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने चाहिए वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और पूरी ऑर्गेनिक रिएक्शन में कितने केमिकल रिएक्शन आपके सिलेबस में हैं जिसके इर्द गिर्द आपकी दुनिया घूमती है। मतलब अगर बाउंड्री ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें जो आपको पढ़ना ही चाहिए, आना ही चाहिए, उसका इन्फॉर्मेशन आपको इस पर्टिकुलर चार्ट में देखने को मिलता है। अगर आपने केवल इन दोनों चार्ट को भी प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो मेरी गारंटी है जो पिछले 20 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ आईआईटी और नीट के बच्चों को, सारे के सारे क्वेश्चन लगभग इन्हीं पर्टिकुलर चार्ट से पूछे जाते हैं। मतलब इन चार्ट को जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हो करिए और अपने कॉन्सेप्ट को एनहेंस करिए। इसको लेने के लिए आप अमेजन में जा सकते हो, अमेजन में आप यहाँ पर लर्नोफाई टाइप करिएगा, तो लर्नोफाई टाइप करने पर आपको यहाँ पर मेरे द्वारा बना हुआ चार्ट दिखाई दे जाता है। Along with that, अगर आप चाहो तो और इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर आप IIT एडवांस की तैयारी करते हो और चैप्टर के मिक्सिंग के क्वेश्चंस को लगाना चाहते हो तो आपके पास बुक है 10 का दम, जिसमें एक एक क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग 10-10 रिएक्शनों को मैंने मिलाया है और कॉन्सेप्ट को एनहेंस करने की कोशिश किया है कि जिससे कि बच्चा प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाए। और इसको मैंने रेफरेंस लिया है 2007 से लेकर 2024 तक के पेपर में आईटी का जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं के आगे या पीछे जोड़ते हुए क्वेश्चन को मैंने फ्रेम किया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बैंक है, इसके थ्रू अपने प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा, जो बच्चा मेडिकल की या आईटी की तैयारी करता है उसके लिए डीप फीस, मतलब इसके अंदर 80 डिग्रीज हैं और सभी के अंदर 10-10 क्वेश्चन हैं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 800 क्वेश्चन, जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को चैनलाइज वे में सिस्टमेटिक तरीके से बच्चों को नॉलेज को इन्हेंस करता है और प्रॉपर तरीके से उनका नॉलेज को बढ़ाता है। मतलब कम क्वेश्चन कॉरस्पॉन्डिंग क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन को देना और सिस्टमेटिक तरीके से देना। उसके बाद अगर कम टाइम है और आप चाहते हो कि पूरी केमिस्ट्री का रिवीजन कर पाएं तो यहाँ पे आपके पास 30-day चैलेंज, ये दो वॉल्यूम में है, एक आपका वॉल्यूम 1 जो कि आईटी के लिए है और दूसरा वॉल्यूम 2 जो आपका मेडिकल वाले बच्चों के लिए है। मतलब इसमें 15 क्वेश्चन फिजिकल, 15 इनऑर्गेनिक, 15 ऑर्गेनिक, 45-45 क्वेश्चन डेली बेसिस पर आपको देखने को मिलते हैं जो आपको करना होता है, जिससे कि अगर आप एक बुक को लगाते हो तो 1350 क्वेश्चन एट ए टाइम एक महीने के अंदर आपका लग जाता है, जो कि आईटी मेन और नीट के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और यहाँ पर आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी ऑफ एनसीईआरटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन, इस बुक के कॉरस्पॉन्डिंग जो एनसीईआरटी के रियल क्वेश्चन है उन रियल क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, उस रियल क्वेश्चन को कैसे करना है एक प्रॉपर तरीके से,
एक कॉन्सेप्चुअली वे के थ्रू आपको बताने की कोशिश किया है कि किसी क्वेश्चन को अप्रोच करने का क्या तरीका होता है। अगर आपने इस बुक को प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो मान के चलिए कि इस तरह के परमुटेशन कम्बिनेशन के फ्यूचर में जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आप सही तरीके से बना लोगे और हर तरह के परमुटेशन कम्बिनेशन को आप सीख जाओगे। मतलब एनसीईआरटी का रियल क्वेश्चन को यहाँ पर लिया है और उस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी मैंने इसके अंदर बताई है। और उसका दो वॉल्यूम में कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 है, जिसके कोरस्पॉन्डिंग थ्योरी और प्रॉपर क्वेश्चन का एक बैलेंस्ड भी आपको इन बुक्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, आप चाहे तो सभी ले सकते हैं या देखने के लिए कम से कम आप चाहे तो ये दो कैप्सूल बेस मंगाइए, देखिए, पढ़िए। ऑर्गेनिक आपकी मजेदार है, कॉन्सेप्चुअल है और इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा और आपका सब्जेक्ट का डेप्थ बढ़ेगा।